तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आपका रिज्यूम बना सकते हैं वो मोबाइल से, वो भी 2 मिनट में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे आप आपका रिज्यूम बना सकते हैं मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं मौसमी गुरु यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कि क्या क्या आपको लगेगा रिज्यूम में। सबसे पहले तो लगेगा आपके 10th 12th के जो नंबर है वो लगेंगे, और अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एड्रेस वगैरह लिखना होता है, ये सब आपको लिखना होता है रिज्यूम में। और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए उसमें, आपकी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब भी और डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। मोबाइल नंबर तो डलता ही है, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी, ट्विटर अकाउंट, ये डालोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लगेगा, तो ये आप डालना बिल्कुल मत भूलिए। मैं तो जब भी रिज्यूम बनाता हूँ मेरे लिए तो मैं ज़रूर ये डालता हूँ। और आपकी जो भी स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा स्किल जैसे टाइपिंग, ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, जो भी हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। इससे क्या है, सामने वाले को लगता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। ठीक, मतलब कुछ आप अलग कर रहे हैं, आपकी अलग स्किल्स हैं, तो वो आपको सबसे पहले देखता है। ठीक है, CV में ये चेक जरूर करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं, वो भी फ्री में। कुछ वेबसाइट होती है जो पे वाली मैं नहीं बताऊंगा, पेड वाली मैं बताऊंगा, फ्री वाली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एंड्रॉयड स्क्रीन की तरफ, मैं उसी में आपको बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल से रिज्यूम बना सकते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या सर्च करना है, पहले मैं आपको आइकॉन बता दे रहा हूँ, फिर सर्च करना है। देखो, ये करना है अपन को इंटेलिजेंट CV सर्च। किसमें करना है सर्च, आपको पता ही होगा किसमें करना है, आपको करना है प्ले स्टोर में सर्च कर लेगा। ठीक है, जल्दी से इसे सर्च कर लीजिए, इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट CV आपको सर्च कर लेना है। और मेरे में क्या है, ये डाउनलोड है पहले से, इसलिए ओपन बता रहा है। आपके में बताया गया क्या, आपके में बताया गया इंस्टॉल, तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जब वो आ जाएगा लास्ट में आपके जहाँ भी आता है आपका, ठीक है, तो ये देखिए मेरा बीच में आ गई है, देखिए VPN के बगल में ये आ गया बीच में, ये है, इसमें क्लिक करना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद अगर आप कुछ पहले से है, जैसे देखो ये मेरे इतने सारे CV हैं अलग अलग बनाए हुए मैंने, एक कोई खोल के बता दे रहा हूँ आपको, ये देख लो। ठीक है, ये खोल के देख लो, मौसमी गुरु नाम से बनाया मैंने CV, ये मेरे CV हैं। ठीक है, और ये उसके लिए है जो पहले से आपके बने हैं और वो डाउनलोड में जाते हैं। अगर आपको बनाना है तो उसमें क्या कीजिए, आप क्रिएट में जाइए, क्रिएट में जाने के बाद आप क्या कीजिए, ऐड आएगा। ठीक है, उसे अलग कर दीजिए, ऐड आते रहते हैं, ये ऐड नहीं करना मेरे को। ठीक है, अगर आपको पहले से बनाया तो आपके में ऐसा नहीं आएगा ऐड वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना प्लस का चिन्ह, ये दिख रहा है ना प्लस का चिन्ह, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डालना है पर्सनल डिटेल, मतलब नेम में डाल लेता हूँ अपना मौसमी गुरु। ठीक है, मैंने मौसमी गुरु डाल दिया, एड्रेस में डाल देता हूँ ये गोरखपुर, पूरा नहीं डाल रहा हूँ, बाहर डाल रहा हूँ। ठीक है, और अगर मेरे को ईमेल डालनी होगी तो मैं ये ईमेल डाल ले रहा हूँ। फ़ोन डालना होगा तो जो आपका नंबर है वो डाल दीजिए, मैं ऐसे ही अभी सैंपल दे रहा हूँ। ठीक है, और फोटो अगर आपको डालना है तो आप फोटो डाल सकते हैं, डालना नहीं, आप डाल दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है अगर फ़ोटो डाल दिया। ठीक है, तो कोई सी फ़ोटो डाल दीजिए जल्दी से, मैं देख लेता हूँ एक जो थोड़ी प्रोफेशनल सी लगे, वो फ़ोटो आपको डालनी है। ठीक है, ये फ़ोटो मैंने डाल दी यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा क्रॉप करके डाल लेते। ठीक है, इसके बाद आपको करना है सेव, ये हो गई। अब मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ कैसे दिखाना है। और हाँ, अभी और भी बनाना है अपन को, इतना नहीं बनाना, और भी बनाना है, ओनली अभी एक चीज़ बनी, ठीक, पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो ये देखिए कैसा दिख रहा है, मैं बताऊंगा आपको अभी। ये टेम्पलेट चूज़ कर लिया। ठीक है, अभी कैसा दिख रहा है अपना इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है, अपने पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो मैं अभी और बता देता हूँ आपको। इसके बाद एजुकेशन आपको डालना है, एजुकेशन में करके एड कोर्स डिग्री 10th कर देना पहले ही ना, 10th स्कूल, भाई मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल से, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ग्रेड मेरे हैं 10th में रहे 76%। ठीक है, और ईयर 2016। ओके, ये सेव कर दिए अपन ने। उसके बाद फिर ऐड करके फिर 12th, है ना, 12th कर दिए, स्कूल मेरा वही गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल, स्कोर मेरे इसमें रहे हैं 84.4%। ठीक है, आपके जितने रहे हो आप उतने डाल सकते हैं, ये 2018 मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये सेव कर लिया।
और कुछ डालना है, मेरा रनिंग में चल रहा है DMLT, लेकिन अभी मैंने 1 साल से 25 गया था DMLT में, और उसके बाद अच्छे से नहीं गया मैं, यही ब्लॉगिंग वगैरह करने लगा था, वेबसाइट जाने वगैरह, तो मैंने उससे ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, क्योंकि भाई जब पैसे आने लगते हैं तो देखता नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन मैं उसे कंप्लीट करूँगा, अभी ऐसा नहीं है छोड़ दूँगा। और इसमें तो अभी रनिंग चल रही है, तो मैं रनिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, रनिंग ईयर अभी 2018-19 से मैं स्टार्ट हुआ था, 2018 से करंटली ये लिख सकते हैं, ये अपनी हो गई एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो मुझे डिजिटल चीज़ों का है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हो, मतलब अगर आप डिजिटल के लिए दे रहे हो, तो अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस है तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। मैं लिख दे रहा हूँ रियल वेब वर्क। ठीक है, रियल वेब वर्क में एक्सपीरियंस है, जब टाइटल वेबसाइट डिजाइनिंग का। ठीक है, स्टार्ट डेट लिख दो कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप वही लिखना जो आपका रियल है। ठीक है, और ये सब डेट डाल दिए अपन ने, डिटेल में आप एग्जांपल एक कोई भी उठा सकते हो इनमें से। देखो लसन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस इतने ही लिख दोगे, और ना भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो फ्रेशर लिख दो आप। आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिए, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ मत लिखिए एक्सपीरियंस, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, स्किल्स अगर आपकी हैं कुछ, जैसे मेरी हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की है मेरी एक। ठीक है, और कौन से लेवल में है, फोर लेवल मतलब अच्छा खासा। देखो ये है लेवल, ये फोर लेवल मतलब एडवांस एक्सपर्ट, 4-5 लेवल में है मेरी जितनी भी स्किल्स हैं, जो 4-5 लेवल में है वो ही मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पहला, तो इसे सेव कर लेते हैं, फिर से उसी में जाना है अपन को, फिर से स्किल्स में जाना है, फिर ऐड किए, फिर इसके बाद और क्या, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है मुझसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो ऐड का बटन है इसमें आप क्लिक करते जाओगे तो और आप ऐड कर सकते हो। ठीक, नहीं तो आप देखते रहो कहाँ कहाँ करना है। कंटेंट राइटिंग आ जाती है मुझसे, ठीक है, अच्छी खासी, और भी बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन मैं कम कम चीज़ लिख रहा हूँ, इससे क्या भी आपको ओनली समझाना है ना। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, पिक एडिटिंग, बहुत सी चीज़ आती है मुझसे, ये सब सेव कर दी। फिर उसके बाद रेफरेंस अपनी कोई नहीं, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव अगर आपको मंथ लिखना मंथ लिख सकते हो, नहीं तो आप एग्जांपल में जाइए और इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट वगैरह कुछ लिखना हो या और एड मोर सेक्शन, आप इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी करना है सिग्नेचर वगैरह तो आप वो कर सकते हो, वरना इतना भी काफ़ी है। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ ये व्यू करके आपको, और यहाँ पे टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं, इनमें से आपको जो चूज़ करना है। मुझे ये रेड अच्छा लगता है, ये वाला जिसमें पूरा आ जाता है, ये आपका, आप और भी बहुत सी चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको लिखना है, लेकिन मिनिमम इतना आपका रहना चाहिए, और सोशल मीडिया का नाम दे सकते हो, नहीं चाहिए, बहुत सी चीज़ रहती है। ठीक है, और इसके बाद आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे। ठीक है, आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो चुका है, ये मत समझना कि डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हो, या फिर अगर जैसे आपको ना देखे तो आप ऐसे डाउनलोड क्लिक करके बैक आ जाइए। ठीक है, पूरा बैक आ जाइए, और अब देखिए यहाँ पे ये आ गई, फर्स्ट सेकंड लिखा नहीं, ये सेकंड लिखा, ये आ गया जैसे व्यू। यहाँ से आप जब इसमें देखो, ये डाउनलोड वाली में, तो यहाँ पे वो आ जाएगा ये फर्स्ट में, देखो मैं बता रहा हूँ, ये आ गया फर्स्ट में। ठीक है, वहाँ पे आपको लगता है कि अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, और यहाँ पे वो आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर जैसे आपको नहीं बन रहा है, क्या बोलते हैं, CV बनाने, तो किसी भाई बंधु किसी से बोलो, भाई ये वीडियो देखो और ऐसे ऐसे बना दे। ठीक है, तो ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही वीडियो और आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टाटा।